नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण EFM पेपर सेकेंड में यूनिट संख्या थर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि टॉपिक के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि कृषि नीति क्या होती है, उसके बाद में हम 2000 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृषि नीति का मेन उद्देश्य कृषि उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि लाना, वो कृषि नीति कहलाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की नीतियां सरकार के माध्यम से लागू करती हैं या सरकार लागू करती है, जिसमें हरित क्रांति भी शामिल है। तो कृषि नीति में कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना ही मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें कृषि में तीव्र गति से या तीव्र उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि कार्यों में वृद्धि कार्य मतलब कृषि कार्यों में बढ़ोतरी करना, तो इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करने से पहले, 2000 की कृषि नीति मुख्यतया घोषित की गई, जिसमें प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रथम विशेषता है इसकी, कृषि उत्पादन में 4% से अधिक वृद्धि करने में सहायक भूमिका का निर्वहन करना, क्योंकि कृषि उत्पादन कार्यों में 4% से अधिक वृद्धि एक प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभिन्न उपाय सुलझाना, जो लक्ष्य प्राप्ति तो मूलभूत इनका जो उद्देश्य या लक्ष्य था उनको प्राप्त करने के लिए कृषि नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो लक्ष्य प्राप्त करने का इनका मुख्य उद्देश्य 4% उत्पादन कार्यों में बढ़ोतरी करना, उत्पादन कार्यों में वृद्धि करना राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य रहा। दूसरा, निजी क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कृषि कार्यों में एक अहम भूमिका का निर्वहन हुआ, क्योंकि निजी क्षेत्र में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि निजी क्षेत्र को काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी भी हुई है। तो ये भी इसमें सम्मिलित है कि निजी क्षेत्र में कृषि की एक अहम भूमिका देखी जा सकती है, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला है, नीति का केंद्र बिंदु कृषि है, क्योंकि नीति का केंद्र बिंदु कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है, क्योंकि नीति का केंद्र बिंदु है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर 61% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो कि कृषि कार्यों में पशुपालन और कृषि संबंधी क्रियाएं करके अपने जीवन यापन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो इस नीति का केंद्र बिंदु किसानों को कृषि उत्पादकता के साथ पशु उत्पादन में वृद्धि करना है, तो इसलिए इसका केंद्र बिंदु ही कृषि को बढ़ावा देना है। अगला है, किसानों के संरक्षण की व्यवस्था। किसानों को संरक्षण की व्यवस्था में जो भी किसान कृषि करते हैं उनको मुख्यतया लोन की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, उनको एक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाते हैं, जो कि किसी प्रकार की नुकसान होने पर कृषि का बीमा करने पर उनको उचित मुआवजा भी दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो किसानों के संरक्षण की व्यवस्था भी इस नीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। वायदा बाज़ार का क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वायदा बाज़ार एक कृषि कार्यों में एक अहम है, क्योंकि वायदा बाज़ार के क्षेत्र में कृषि नीति एक सहायक एवं मुख्यतया भूमिका का निर्वहन करती है। एक स्थायी विकास, कृषि कार्यों में एक स्थायी विकास या फिक्स्ड डेवलपमेंट भी सम्मिलित है, जो कि एक स्थायी कार्यों के लिए एक सहायक एवं मूलभूत तरीके से भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस प्रकार कृषि नीति 2000 में ये इसके मुख्य बिंदु थे। अगला है, आठवां बिंदु, राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यूह रचना में भी कृषि नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कृषि
में मैंने जैसे आपको बताया कि राजस्थान में लोग 61% से अधिक जनसंख्या 61% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में निर्भर है। तो कृषि कार्यों में जब निर्भर रहेगा तो उसके साथ साथ पशुधन से संबंधित भी, पशुपालन से संबंधित कार्य भी निर्वहन होंगे। तो उसी श्रेणी में प्रजनन व्यूह रचना में भी कृषि नीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक संबंध क्रियाओं में उच्च प्राथमिकता कृषि कार्य को दी गई है। संबंध कार्यों में व्यवसाय एवं व्यवसाय की सहायक क्रियाएं को संपादित करने के लिए कृषि की एक अहम भूमिका रही है, जो कि एक संबंध क्रियाओं में सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन करती है। कि उच्च प्राथमिकता यहाँ पर कृषि है, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से संबंध क्रियाओं में एक सहायक तरीके से निर्वहन होता है। ये भी कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। अगला है पौधों की किस्म का संरक्षण। पौधों की किस्मों का संरक्षण भी राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में मुख्यतया है, जो कि पौधों की किस्मों में सुधार करना, उसका संरक्षण करना इसमें शामिल किया गया है। अगला उन्नत किस्मों को उच्च प्राथमिकता देना, ये भी एक राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। कि उन्नत किस्मों में किस प्रकार कृषि कार्यों को उच्च प्राथमिकता देना है, तो ये भी एक संबंध क्षेत्रों में एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन भी करती है। कर ढांचा को सुदृढ़ करना भी एक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट रेट के हिसाब से भी काफ़ी छूट मिलती है, जो कि कर ढांचा में भी एक कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कि करों में छूट भी कृषि कार्यों के संबंध क्रियाओं में मुख्यतया मिलती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में मुख्यतया महत्वपूर्ण भूमिकाएँ सम्मिलित हैं, जो कि एक अलग अलग फैक्टर वाइज अलग अलग एक निर्धारित मापदंड के आधार पे ये कार्य करती है। अगला ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का अभाव है तो कृषि कार्यों में उनको विभिन्न सुविधाएं, ट्यूबवेल, कुएं, नलकूप आदि की सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण में भी एक कृषि कार्यों की या कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। संस्थागत सार, कृषि कार्यों को करने के लिए किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण या दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवा करके भी कृषि कार्यों में विशेष मदद मिलती है, जो कि कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से उनको लोन राशि उपलब्ध करवा के कृषि कार्यों को शीघ्रता से निष्पादित करने के लिए कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में ये भी सम्मिलित है। अगला है जल का उपयोग। कृषि कार्य करने के लिए हमें जल उचित मात्रा में, उचित तरीके से हमें मिलना चाहिए। बिना जल के कृषि कार्य हम नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में जल का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और भी विभिन्न प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं जो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में सम्मिलित हैं, जो कि मुख्यतया किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का इस नीति का मुख्य उद्देश्य रहा। किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में राष्ट्रीय कृषि नीति की अहम भूमिका रही, जो कि किसानों को और जैसे जैसे कृषि कार्यों में वृद्धि होगी वैसे वैसे किसानों को भी फायदा मिलता है। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करना कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। तो इस प्रकार इसके विभिन्न बिंदुवार जब हमने अध्ययन किया, जिसमें प्रथम हमने अध्ययन किया कृषि उत्पादन में 4% से वृद्धि करना इसका लक्ष्य रखा गया, ये इसकी विशेषताओं में सम्मिलित था। लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभिन्न उपाय किए गए जिसमें कृषि कार्यों में निरंतर वृद्धि हो सके। तीसरा, निजी क्षेत्र में काफ़ी भूमिका मिली। निजी सेक्टर के अंतर्गत कृषि कार्यों में एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन किया गया। नीति का केंद्र बिंदु कृषि रखा गया, जिसमें आसानी से कृषि कार्य संपादित किए जा सकते हैं।
किसानों के संरक्षण की व्यवस्था में कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं महत्वपूर्ण भी रही हैं। तो इस प्रकार वायदा बाजार क्षेत्र में भी कृषि क्रियाएं या कृषि कार्य एक अहम भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। स्थाई विकास कृषि का करने से भी किसानों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिले हैं, तो ये भी एक सराहनीय कार्य रहा है। राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यूह रचना में कृषि नीति की एक अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यूह रचना में कृषि नीति का एक अहम योगदान भी रहा है। संबंध क्रियाओं में उच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई है, क्योंकि कृषि कार्य के बगैर किसान और आमजन को अन्न की आवश्यकता होती है, तब कृषि अधिकतर करते हैं जिससे आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। पौधों की किस्मों का संरक्षण में सुधार, पौधों की किस्म या पौधों की संरक्षण के किस्मों में किस प्रकार से सुधार करना है, ये भी कृषि संबंध क्रियाओं में सम्मिलित है। उन्नत किस्मों को उच्च प्राथमिकता भी दी गई है कि उन्नत किस्मों के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकताएँ हैं। उन्नत किस्मों को महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के आधार पर कृषि कार्य तीव्र गति से वृद्धि हुई है। कर ढांचा टैक्स स्ट्रक्चर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि कर ढांचे में भी कृषि नीति 2000 में महत्वपूर्ण तरीके से सराहनीय कार्यों में अहम रही है। इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण भी कृषि कार्य करने के लिए हमें विद्युत की बहुत आवश्यकता होती है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण भी कृषि नीति 2000 में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। संस्थागत साख में मैंने जैसा आपको बताया, संस्थागत साख में अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध आसानी से करवाए गए हैं। जल का सक्षम तरीके से उपयोग किया गया है। इस प्रकार हमने आज कृषि नीति 2000 की मूलभूत बिंदुओं के बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया, जो कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर ये प्रश्न पूछते हैं कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि आपको बिंदुवार एक कंटेंट के माध्यम से भी, आपको एक पीडीएफ नोट्स के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया है। उनको आप निरंतर पढ़ें, जिससे आसानी से आपको ये प्रश्न समझ में आएगा, आसानी से आप यूनिट संख्या 3 में कृषि से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में अधिकतम मार्क्स उपलब्ध हो सके। क्योंकि ये टॉपिक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अधिकतर पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि नीति कौन कौन सी है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, 2 विशेषताएं बताएं इनमें से कौन, इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव में भी आपसे संबंध इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी उपयोगी है, तो जो कि आपको इसको घर पे बैठ के अध्ययन करना है कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 क्या है। तो हमने विभिन्न प्रकार कंटेंटों के माध्यम से विभिन्न बिंदुवार हमने कृषि नीति के बारे में अध्ययन किया। इसी से संबंधित हम कृषि के बारे में हम अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे, जो कि कृषि वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं, संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, उनसे संबंधित भी अधिकतर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आपके ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि एग्रीकल्चर या कृषि क्या है, कृषि का क्या महत्व है, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछते हैं। तो आपके यूनिट संख्या 3 में कृषि से संबंधित 3rd यूनिट पूरी एग्रीकल्चर से संबंधित है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछते हैं। तो इस प्रकार हम आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताओं को हमने बिंदुवार अध्ययन किया, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और ये आशा करते हैं कि इनसे संबंधित अगर प्रश्न एग्ज़ाम में अगर आए तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। तो विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से सुनियोजित या सुसंगठित ढंग से आप इनको करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें।
एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न अधिकतर आपके एग्जाम में यूनिट संख्या थर्ड में 3-4 प्रश्न ही हैं। प्रथम है कृषि या एग्रीकल्चर फसलें क्या हैं या कृषि क्या है, उसका क्या महत्व है। दूसरा राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। तीसरा अगर प्रश्न की हम बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके 5th यूनिट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि कृषि वित्त के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं या कृषि वित्त के तुलनात्मक स्रोतों का वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक, या कृषि वित्त के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं उनका आप अध्ययन कीजिए, इनसे संबंधित भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि कृषि वित्त के ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो कि अल्पकालीन, जो कि संस्था के स्रोत, गैर संस्था के स्रोत में संबंधित है। संस्था के स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा नियमन नियंत्रण होते हैं या रिजर्व बैंक के द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कृषि वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं या कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, कृषि वित्त के कौन कौन से स्रोत उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।